आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जिसके पास विचित्र शक्तियों का अपार भंडार है। और उस दुनिया का नाम है टॉलीवुड, या फिर आप कह सकते हैं साउथ इंडियन मूवीज वर्ल्ड। इस दुनिया के अंतर्गत आपको मिलेंगे कुछ इस प्रकार के प्राणी जो कार में फंसी अपनी टांग को निकालने में तो असमर्थ होंगे, लेकिन सामने से आ रही जीप को डंडा मार के आसमान में उछालने की क्षमता रखेंगे। इस दुनिया में जो आपका दुश्मन होगा वो आपको मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, बल्कि वो लाइन में खड़े होकर के आपका इंतजार करेगा कि कब आप हवा हवाई बन के आएंगे और उसे लाइन से मारेंगे। जरा मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी, सीन में कर देते हैं ऐसा ये ग्रीन मैजिक कि आत्महत्या कर लेता है बेचारा लॉजिक। इसके अलावा टॉलीवुड की भरी महफिलों में टाइम, ग्रेविटी और सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक का जिंदा तरीके से कत्ले आम किया जाता है। सही पकड़े हैं। अब जरा ये देखो, आखिरी ख्वाहिश हो तो भी मत बताना। तो इस सीन में होता क्या है, ये जो विलेन अंकल हैं, ये इस फैमिली को किडनैप कर लेते हैं और फिर इन दीदी को जो है गोली मारते हैं। और गोली मारने के बाद क्या होता है, नहीं 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 ना, गोली लड़की को नहीं लगती बल्कि गोली की स्पीड बिल्कुल हो जाती है। हमारी दीदी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है और दूसरी तरफ जो हमारे शिवा भैया हैं वो हॉस्पिटल में जमा होते हैं, एडमिट होते हैं। वो अचानक से हमारी दीदी की आवाज सुन लेते हैं और उनके अंदर विचित्र शक्ति आ जाती है और उसके बाद वो थोड़ी सी कसरत करते हैं। उसके बाद हमारे शिवा भैया जो हैं फुल टू स्वैग में तैयार होते हैं, लेकिन गोली फिर भी नहीं लगती है। फिर वो जाकर के पंडित को अपना हाथ दिखाते हैं, लेकिन गोली फिर भी नहीं लगती। 2000 years later. और ये फाइनली हमारे शिवा भैया पहुंच गए हमारी दीदी को बचाने के लिए। अब गोली उनके सामने आकर रुक जाती है और शिवा भैया उसे जो है इशारे करते हैं और वो वापस चली जाती है। तो ये थी दुनिया की सबसे विचित्र गोली जो अपने सामने खड़े हुए व्यक्तियों को लगने में पूरा जमाना बिता देती है। अबे टाइम और लॉजिक की जिंदा बेइज्जती है ये। लट्टू की तरह घूमने की निंजा टेक्निक, मतलब ये मुस्टंडे लाइन में खड़े होकर के करतब दिखा रहे हैं। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है और तुम उसे मारने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें जाकर के उसे सूतना नहीं है, सूतना नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, जाकर के उसे अपने कर्तव्य दिखाने हैं, फिर चाहे इतनी देर में वो तुम्हारा कर्तव्य बना दे। हमारी साउथ इंडियन मूवीज के जो पुलिस अंकल होते हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं होते, बल्कि विचित्र शक्तियों से भरपूर सुपर हीरो से कम नहीं होते। इन्हें चोर चक्के गुंडे मवालियों को मारने के लिए हथियार की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, ये मुर्गी से ही काम चला लेते हैं। पहले तो कोई मुझे ये बताओ ये मुर्गी कौन सी ब्रांड की है बे? बहुत बढ़िया, मतलब हमारे अंकल को ताकत मिलती है बनाना खाने से, वेरी गुड। शायद इस दुनिया में हथियारों की कमी है जिसकी वजह से यहाँ हथियार के नाम पर मुर्गी और केलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम साउथ इंडियन मूवीज की बात करें और हमारे मास भैया की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हैं हमारे मास भैया, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, फिलहाल मैं इनको मास के नाम से जानती हूँ। तो ये जो भैया हैं ये अपने पैर से यूं 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 करके बवंडर बनाने में सक्षम है।
वैसे यहाँ एक बात सोचने वाली है कि इतनी नीट एंड क्लीन रोड पर कहीं से कहीं तक धूल नहीं दिख रही है। चलो माना थोड़ी बहुत धूल है, पर हमारे मास भैया के पैर के नीचे रेगिस्तान बना हुआ है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना एक्शन और मैजिक बहुत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।